हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो एलईडी बल्ब है ये ख़राब हो चुका है, इसको आज ठीक करके दिखाऊंगा। वो कैसे ठीक करूंगा, ये देखिए मेरे हाथ में एक ओआरएस के पैकेट है जो कि सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में मिलता है फ्री में। तो ये पैकेट से मैं आज आप लोगों को इसको ठीक करके बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच करें तो आप लोगों को पता चल सके कि ये ओआरएस पैकेट में ये कैसा ठीक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, ये बल्ब को ठीक करने के लिए पहले तो क्या करना है फ्रेंड, इसका डिफ्यूजर को खोल देना है। फ्रेंड, खोलने के लिए आप चाकू के मदद से भी खोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे हाथ में जोर से कस के भी खोल सकते हैं। तो इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास सीरीज होल्डर है, ये सीरीज बोर्ड में कनेक्शन है, ये होल्डर डायरेक्ट नहीं है। आप कभी भी एलईडी बल्ब ठीक करने के टाइम में आप सीरीज बोर्ड में पहले लगा के इसको टेस्ट करके देखिए ये क्या प्रॉब्लम हो चुका है, डायरेक्ट मत लगाइए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको पहले ये होल्डर में लगा लेता हूँ। उसके बाद देखिए, आपको एक चिमटा ले लेना है। अगर आपके पास चिमटा नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से वायर ले लेना है। देखिए आप, ये देखिए एल्युमिनियम का है, आप कॉपर का भी ले सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है फ्रेंड। अगर आपके पास मीटर है तो ये देखिए, ये नेगेटिव और पॉजिटिव को आपको मीटर में इसका वोल्टेज चेक करना है। अगर मीटर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करना है आप लोग को, कुछ इस प्रकार सा। देखिए ये साउंड हुआ है, मतलब ये सप्लाई आ रहा है, इसका डीसी वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इसका ही प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। जो हमारा एमसीपीसी भी है, इसका ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको क्यों चेक करने के लिए हम लोगों को बारी बारी से इसमें चेक करना होता है। तो कैसा चेक करना है फ्रेंड, एक एक एलईडी को ऐसा चेक करना है, कुछ इस प्रकार से चेक करना है फ्रेंड, एक एक एलईडी को बारी बारी से चेक करिए। तो देखिए फ्रेंड, एक ही एलईडी इसके अंदर ख़राब है। तो पहले इसको क्या करना है फ्रेंड, इसको मार्किंग कर लेना है आपको, इस इधर कुछ मार्किंग करके इसको हटा देना है चाकू के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड, ये जो एलईडी है इसको मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इसको चाकू में या स्क्रू ड्राइवर में हटा देता हूँ ये एलईडी को। फ्रेंड, ये जो एलईडी मैं हटा रहा हूँ इधर से, देखिए इधर क्लीन कर रहा हूँ, इधर को नहीं लगना है क्योंकि ये जो एलईडी है ये भी ख़राब हो सकता है। तो इसको अच्छा तरीके से बिना टच किए ये एलईडी को इसको अच्छा तरीके से ऐसा हटाना है इसका ऊपर से। देखिए तो देखिए फ्रेंड, ये अच्छा तरीके से हट गया है, इसके ऊपर थोड़ा चाकू के माध्यम से इसको घिस लेना है। तो फ्रेंड चलिए, इसको चाकू के मदद से इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए ये बराबर से क्लीन हो चुका है। तो फ्रेंड इसके बाद क्या करना, देखिए इसके जो ओआरएस पैकेट है इसका एक साइड एक थोड़ा कटिंग कर लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए इसको पूरा तरीके से कटिंग नहीं किया हूँ, देखिए ये नहीं गिर रहा है, ये अच्छे तरीके से सेफ है। तो चलिए इसको थोड़ा एक अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर लेता हूँ, एक छोटा वाला, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसको अच्छा तरीके से छोटा सा कटिंग कर दिया हूँ। तो जैसे ही देख पा रहे हैं फ्रेंड, इसको अच्छा तरीके से चाकू के मदद से इसको साफ कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए, जो टुकड़ा था ओआरएस पैकेट का, उसको अच्छा तरीके से इधर रख लेता हूँ, देखिए इसको थोड़ा साइज करके रख लेना है जैसा दोनों का टच हो। उसके बाद देखिए ये जो टेप है इसको लगा देना है। उसी प्रकार से लगा लेना है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोगों के सोच में आया होगा कि है ये जो टेप है ये गर्म होने पे उड़ जाएगा, लेकिन फ्रेंड ये क्या है, विदाउट सोल्डिंग में, आप लोग के पास अगर सोल्डिंग है तो सोल्डिंग में लगा सकते हैं, लेकिन ये विदाउट सोल्डिंग में मैं किया, आप लोग भी इमरजेंसी में ये लगा सकते हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो ये ज़्यादा हीट नहीं होगा, तो हमारा जो टेप है ये ज़्यादा जल्दी नहीं घटेगा, ये 2-3 महीना काम कर जाएगा। अगर ये छोटा टेप हो रहा है आप लोग को लग रहा है, आप लोग थोड़ा बड़ा वाला टेप चिपका सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड देखिए,
रोशनी बराबर आ रहा है, ये ब्लिंकिंग जो आ रहा है ये लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए डिस्प्ले में ब्लिंकिंग आ रहा है। देख सकते हैं बराबर सा रोशनी आ रहा है, कुछ दिक्कत भी नहीं होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड, क्योंकि एक वीडियो बनाने को बहुत ही मेहनत लगता है। किसको भी हेल्प हो सके आप लोग अगर शेयर कर रहे हो तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।